आप कहाँ से आए हैं सुबेदार साहब? मैं सदर बाजार बाबा बहादुर शहीद मजार के बगल से, मेरा बनारस से। हाँ, बनारस से बहादुर शहीद जहाँ लोग खेलते हैं हवाते हैं, वही के जस्ट बगल से आए। चलिए, तो ये आपके लड़का कहीं पर भी गिर पड़ जाता था, ये हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर लिया, आग पानी कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर साटकर को दिखाया आपने? मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाया। तो क्या बोले डॉक्टर लोग? डॉक्टर साहब वो खाली जांच करते थे और रिपोर्ट देते थे, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता था। कितने साल से आपका बच्चा परेशान है? मैं समझता हूँ लगभग करीब 20-25-30 साल से, लगभग 30 साल से। तो कितने डॉक्टरों को, झोला छाप को दिखाया या बड़े डॉक्टर? बड़े डॉक्टरों को। बड़े डॉक्टरों को, एक आध दो डॉक्टर का नाम बता दें। डॉक्टर एस के सिंह। कहाँ बैठते हैं ये? जो है हेरिटेज हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? ये लंका पर है। लंका पर है। और एक आध डॉक्टर का नाम बता दें। और डॉक्टर एस के सिंह, वो की है सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर। कहाँ पर है ये? ये मलदैया पे है। अच्छा, मतलब बड़े डॉक्टर को दिखाया। चलिए, तो यहाँ पर आप आए तो भूत प्रेत, कितने दिन पहले आप आए थे? मैं यहाँ पर करीब 20-25 दिन पहले आए थे। तो ऊपर इसके बच्चे के आपके भूत प्रेत कितने थे? ऊपर 11 थे और अंदर 6 थे। 6 थे। पुष्टि करने वाला बोला था क्या निकलेगा? पुष्टि करने वाले बताया था खोआ निकलेगा। खोआ आपके घर पे निकला? हाँ, निकला। मगर आपने जाँच करवाने का बहुत प्रयास किया, BHU लैब, मगर जाँच करके नहीं बताया कितने साल पुराना है। लगभग 25-30 साल से इसको खोए में करके कोई खिला दिया था और वो पेट में उसके था, इसीलिए था ऐसा। अब मैं आपका खोए का फोटो अपने कैमरे को दिखा रहा हूँ, एकदम क्लियर आपका खोआ है, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। कितना लगभग खोआ निकला होगा हाथ से आप बताइए? खोआ करीब इतना से निकला। और हाथ इधर करें थोड़ा, इधर। वजन में लगभग कितना होगा? वजन में करीब करीब मैं समझता हूँ कि 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम निकला होगा। आपने भी देखा था, आपका ये भाई है जी, जी। आपने भी अपनी आंखों से देखा था खोआ? चलिए, दबाव के भी देखा था? ठीक। तो आपके पति जो है ये, तो आपके ये भूत प्रेत मराया तो क्या कुछ फर्क पड़ा आपके पति को? क्या फर्क पड़ा? ठीक है, पहले से गिरते नहीं है। पहले कभी भी कहीं पर भी गिर जाते थे, अब नहीं गिरते हैं। और आज पुष्टि में बोला, वो पुष्टि करने वाला भूत प्रेत नहीं है इनके ऊपर, तो कैसा लगा आपको? अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत साल से आप परेशान थी, आपकी परेशानी दूर हो गई। सुबेदार साहब, तो आपको यहाँ आने पे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। आपका मोबाइल नंबर हम इस पे डाल देंगे, कभी किसी का कॉल आएगा तो आप यहाँ की सच्चाई ईमानदारी बताएंगे। ठीक। आपके लड़के के चेहरे में कुछ बदलाव आया पहले से? बहुत बदलाव आ गया। मतलब पहले कैसा चेहरा था बच्चे का आपके? देखिए पूरा ये जला हुआ है, ये नहीं नहीं, पहले जैसे कि जब भूत प्रेत नहीं मरवाए थे तो कैसा इसका चेहरा था? बहुत सुस्त था, बहुत सुस्त था, एकदम नर्वस। अभी एकदम देखो चेहरे पे लाइट है ना, ये पक्की बात है ना? क्यों, सही कह रहे हैं? ठीक। अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है। चलो, आपके बगल में कौन बैठा है? ये मेरी बीबी। आपकी बीबी है, ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? दो। सर भारी हो रहा है आपका? हाँ, सर भारी। मगर बातचीत अभी नहीं हो पा रही, कोई कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। चलो पट्टी खोलो, फिर कोशिश करते हैं। वो आपको क्या निकला था? ये इसके पनीर। आपको पनीर बोला था पुष्टि में, आपके ऊपर भूत प्रेत कितने थे? ऊपर थे तीन थे। तीन ऊपर थे और चार अंदर थे। अब बोला था कई खुराक दवा? दो खुराक दवा। और क्या निकलेगा? पनीर। पनीर, पनीर आपके घर पे निकला? हाँ। चलिए, आपका भी हम इसमें कैमरे को दिखाएं। लगभग कितना पनीर निकला होगा हाँ से बताएं? इतना सा। लगभग वजन में कितना आएगा? 100 ग्राम रहा होगा। तो उससे पेट में था ये पनीर आपको, तो क्या दिक्कत हो रहा था आपको? खाने में घुटने में दर्द होता है। तो अब वो पनीर निकल जाने से घुटने में दर्द हो रहा है या नहीं? अभी भी है दर्द। अभी भी है? हाँ। तो भूत अभी आपने मरवाया है या नहीं? ऊपर तो मरवाया थे खाली, अंदर का भी नहीं मरवाया? जब अंदर का भी मरवा देंगे तो वो घुटने की दर्द खत्म हो जाएगी। कई डे अंदर का मारना है आपका? तो खाए उल्टी हुआ है। चार भूत प्रेत को मरवाएंगे तो ये घुटने की दर्द आपकी ठीक हो